and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. हमने पूरी तरीके से जाना कि यहाँ के किसान बड़े खुश हैं, बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि आज उनका ये लंगड़ा आम, बनारस की शान कहा जाने वाला लंगड़ा आम, सात समुंदर पार सऊदीया के लोगों ने जिसे चाहा है वहाँ के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। बताते चलें कि ये आम लखनऊ जाएगा, लखनऊ से फिर सऊदीया की सरजमी के लिए भाई एरोप्लेन उड़ जाएगा। ये एक अच्छी पहल है यहाँ के किसानों के लिए, एक सुनहरा मौका है इस लॉकडाउन में। और प्रधानमंत्री की जो अपील लोकल को प्रमोट करने की है, कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से इसका सीधा सा लाभ यहाँ के किसानों को मिलने वाला है। सर, किस तरह की डिमांड बढ़ी है पीएम के संसदीय क्षेत्र से? ये आप लोगों का कई सारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से इस पूरे एरिया में हुए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, जिसमें हमारा पेरिसेबल कार्गो का है, हमारा इनलैंड वाटर उसका पोर्ट का है, पूरा एनएच का जाल का है, एक्सपोर्ट एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का है। और उसी दिशा में अब वो जो प्रयासों के परिणाम भी आने लगे हैं, जैसा आप लोग अवगत हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने सब्जियों की पहली खेप लंदन एक्सपोर्ट की थी और वो करीब 3 टन सब्जी एक्सपोर्ट की थी। उसका काफ़ी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। मेरे पास कुछ व्यक्तिगत रूप से लंदन से फ़ोन आए थे कि यहाँ की सब्जियाँ तो आपने भेजी, अब आम भी भेजिए। उसी दिशा में प्रयास करते हुए अब हम लोग पहली खेप हमारी दुबई इस बार जा रही है और कुछ दिनों में लंदन भी जाएगी। अभी दशहरी और लंगड़ा आम जा रहा हमारा जया FPO के माध्यम, जो जया जो फार्म है ये जया FPO का है, इसके माध्यम से जा रहा है। इसमें एपिडा का बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सकारात्मक रोल रहा है और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, कम है। और बहुत ही हम लोग तीव्र गति से, जब से लास्ट हम लोग ने बैठकें की थी, चेयरमैन एपिडा सब आए थे, उसके साथ समय से काफ़ी बड़ी अच्छी प्रगति हुई है। अब यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में ये आम पहले लखनऊ जाएगा, वहाँ पर इसकी पैकिंग पैक हाउस में जाके वहाँ से पैकिंग होके जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी जमीन एक चिन्हित की है, उसका UPSIDC से उसको हम लोग प्रयास करके ले रहे हैं, जिसमें हम लोग वाराणसी में एक पैक हाउस बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पर के जो सब्जी और आमों के उत्पाद हैं यहीं पर पैकेजिंग होकर यहाँ के माध्यम से सीधे हम लोग विदेशों को भेज सकें। और जिस तरह का यहाँ पे आम का और सब्जियों का बेल्ट है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको अच्छे रूप से हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे किसानों की आमदनी दुगनी करने में हम लोग को सफलता प्राप्त होगी और यहाँ से एक ब्रांड यहाँ का भी आम का बन जाएगा, जो विश्व में काफ़ी अपना प्रख्यात होगा और काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे और लोगों में डिमांड है। केवल हम लोग को थोड़े से जो चीज़ें बीच में हैं उसको, लॉजिस्टिक्स को और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसको हम लोग करा रहे हैं। और आज प्रसन्नता का विषय है कि पहली खेप आज हमारी आम की, और ये पहला एक्सपोर्ट वाराणसी से आम का हो रहा है। बाकी अन्य चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं, लेकिन आम का पहली बार यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक बहुत एक सराहनीय कदम है और हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी ये चालू रहे। सर, कोरोना से ही नहीं, लगड़ा आम पूरे मंडल में कई जनपदों में है, उन जनपदों को भी आगे की एकदम, जो आपको बता रहे पिछले बार जो सब्जी भेजी गई थी वो गाजीपुर की सब्जी थी और ये पूरा रीजन है, कोई यहाँ पे जनपद की बात नहीं, पूरा रीजन। जब भी कोई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पूरा रीजन को बेनिफिट होता है और ये रीजन आम के लिए और सब्जियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो न सिर्फ बनारस के लेकिन आसपास के जनपदों के भी आम के प्रोड्यूसर्स को जोड़ेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम लोग चल रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग इसका एक कोई ब्रांड बनाए, जैसे यहाँ का लंगड़ा है दशहरी, इसका एक ब्रांड बनाए और उस ब्रांड के नाम से ही दुनिया भर में ये आम एक्सपोर्ट हो। सर, कितना महत्वपूर्ण है कोरोना काल में जहाँ लोग, छोटा सा कदम है, पहली शुरुआत है, लेकिन आज की शुरुआत आने वाले समय के लिए एक बड़ा कदम होगा और आने वाले समय में हम लोग कई सारे FPOs को किसानों को जोड़कर इसको वृहद मार्केट के रूप में यहाँ का हम लोग क्रिएट करेंगे, जिससे कि अभी तो आज एक से शुरुआत हुई है, अगर हम लोग धीरे धीरे करके इसको एक जब ब्रांड, जैसे अल्फांसो आम पूरा विश्व में फेमस हो गया, उसी तरह हम लोग अगर यहाँ के एक ब्रांड करके अगर इसको हम लोग अगर सम्मिलित कर लें तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक परिवर्तन इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आ सकता है। और उसके साथ साथ उसके बाद आम के जो फूड प्रोसेसिंग है, जो आम का जो प्रोसेसिंग होता है, उसका भी एक कोलैटरल बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं, जिसमें आम को प्रोसेस करके आगे हम लोग इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम लोग आगे बेच सकते हैं। प्लस इसका डोमेस्टिक मार्केट में भी इसकी जो एक ब्रांड बनने के बाद उसकी भी खपत बढ़ेगी। सर, आखिरी सवाल, कितना टन अभी यहाँ से? अभी 3 टन जा रहा है, लेकिन उसके बाद एक खेप हमारी लंदन भी जाएगी, जिसके लिए एपिडा के सहयोग से हम लोग उसको प्रयास करें कि उसको भी हम लोग शीघ्र उसको यहाँ से भेजें। विक्रम चौधरी है, मैं किसान उत्पादक संघ जया सीड्स फार्मर प्रोड्यूसर का डायरेक्टर हूँ
और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के ग्राम जयापुर में रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा, और प्रधानमंत्री द्वारा इतने अथक प्रयासों के जो वो देश विदेश यहाँ के किसानों के फल और सब्जियों के लिए जो इतना प्रयास कर रहे हैं उसमें उनके इस सहयोग का आज इस कड़ी में एक बहुत बड़ी सफलता हमारे बनारस संसदीय क्षेत्र को मिली है। यहाँ का फेमस बनारसी लंगड़ा आम जो कि आज अपनी दुबई की यात्रा के लिए निकल पड़ा है, और भारत सरकार की संस्था एपिडा जिसके AGM डॉक्टर CB सिंह सर और हमारे उद्यान डॉक्टर गुप्ता सर के माध्यम से, DHO सर के माध्यम से, और हमारे जो संगठन के और मित्र भाई बंधु हैं उनके अथक प्रयास के बाद एक्सपोर्ट एसोसिएशन वाफा जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ का उत्पाद वहाँ ले जाएं और हमारी एक नई ब्रांड वहाँ तैयार करें बनारसी लंगड़े की। कमिश्नर साहब से बात के दरमियान कहाँ से और भी डिमांड आई है? कमिश्नर साहब से आज बात के दौरान उन्होंने बताया कि लंदन से UK से नई डिमांड आई है कि हम आपके राम केड़ा और लंगड़ा को यहाँ चाहते हैं, और उसमें कमिश्नर साहब ने उनको आश्वासन भी दिया कि हमारा FPO और आपके बीच समन्वय स्थापित करके उसकी खेप जल्द से जल्द भेजी जाएगी। कितने आम गए हैं आज? जैसे आज यहाँ से 3 टन आम गया है और अगला कंटेनर के माध्यम से 10 जून को प्रस्तावित है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो 10 टन माल 10 जून को यहाँ से निकलेगा। लाइव BNS के लिए ध्यानचंद शर्मा वाराणसी।